हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए और घर के पास का ही एक मॉल है, वहीं जाऊँगी। काफ़ी बड़ा ये मॉल है और आज स्पेशल चीज़ ये है कि आज है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे के दिन क्या होता है कि जो बिग ब्रांड्स हैं उसमें काफ़ी आपको डिस्काउंट प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मुझे क्या क्या मिलता है, कितना डिस्काउंट रहता है, अभी जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़, मैं मॉल पहुंच चुकी हूँ। ये मॉल है वेस्टफील्ड मिरांडा। तो गाइज़, मैं अब अंदर आ गई हूँ और अब लेवल 2 पे चलते हैं। अभी मैं लेवल 1 पे हूँ तो मुझे अब जाना है लेवल 2। ज़ारा से स्टार्ट करते हैं। वैसे ज़ारा में कभी कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलता आपको, मुझे तो नहीं मिलता कभी भी। और ये हैं ज़ारा के परफ्यूम्स। ये तो नॉर्मल प्राइस पे ही था, इसमें कोई डील नहीं दिख रही थी मुझे। और ये देखिए कितना सुंदर सा कफ्तान है और बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है ये कहाँ का बना हुआ है? देखिए, मेड इन इंडिया। कुछ भी मेड इन इंडिया दिखता है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और अब मैं जा रही हूँ गाइस मायर, क्योंकि मुझे ज़ारा में कुछ नहीं दिखा ऐसा जो कुछ हाफ़ प्राइस पे या किसी कोई डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाए। तो मैं मायर आई हूँ। मायर में अभी मैं घूम रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ कि देखिए कुछ है मेरे काम की चीज़ तो मैं उसको लूँ। और इस बैग पे काफ़ी ऑफर है, देखिए ये 279 का था और अब 149 में मिल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। और ये है कपड़ों का सेक्शन, तो इसमें देखते हैं। और हाँ, अब मैं आ गई हूँ हैट लेने। मुझे हैट ख़राब हो गया था तो अब मैं देख रही हूँ कुछ अच्छा सा मुझे मेरे जो सिर में फिट हो जाए मैं वो ले लूँ। ये वाला हैट काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो गाइस, मैं ये वाला हैट ले रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरा हैट बेकार हो गया था, तो मैं ये वाला हैट ले रही हूँ। बहुत अच्छा सा है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। और चलिए फिर से मास्क लगा लेते हैं। बिना मास्क लगाए घूमना सेफ नहीं है और अलाउड भी नहीं है। तो गाइज़, मैं अब मायर से बाहर निकल गई हूँ और बाकी की ये जो शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रही हूँ। बड़ा हैपनिंग माहौल है आज इस मॉल में, अच्छा लग रहा है। काफ़ी फेस्टिव वाइब्स, क्रिसमस आने वाला है ना तो बड़ा फेस्टिव वाइब्स आ रहे हैं। ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया। फूड कोर्ट में इतने सारे लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ था ये। यहाँ पे एक है मुंबई एक्सप्रेस करके और यहाँ हर टाइप का इंडियन खाना है। देखिए, मीट कॉम्बो मील, मीट डिशेस, राइस डिशेस, सब कुछ मिल जाएगा। समोसे भी हैं, पकौड़े हैं, दाल है, दाल फ्राई है, छोला है, भटूरे हैं और बटर चिकन वगैरह भी मिल जाएगा। ब्रेड पकौड़ा भी रखा हुआ है, देखिए इसे मैं भी कुछ ले लेती हूँ। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बड़ा हैपनिंग है और अभी मुझे भी काफ़ी भूख लग रही है। तो मैंने अभी एक चिकन टिक्का ऑर्डर किया है, चिकन टिक्का रैप, उसी का वेट कर रही हूँ। सैनिटाइजर बार बार लगाते रहे, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है।
गई है और मैं अब घर आ चुकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ अच्छा सेल लगा हुआ है, काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। फुल प्राइस का कई जगह तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, कई जगह 20-30% आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। जो स्पेशली जो बिग ब्रांड्स होते हैं ना, जो टॉप ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उसमें आपको जब डिस्काउंट मिल जाता है तो चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। और नॉन ब्रांडेड जो चीज़ें हैं ना, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे काफ़ी कुछ डील में चीज़ें मिल गई हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, उसमें भी मुझे अच्छा डील मिल गया है। 100 की चीज़ें जो $100 में मिलती हैं, वो मुझे $50 में पड़ गई। तो अब मुझे तो डील मिल गई गाइस, कि अगर आपको ब्लैक फ्राइडे के दिन शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो आप अर्ली जाइए, जितनी जल्दी से जल्दी आप जाइए उतना अच्छा आपको, मतलब चीज़ें आपको मिलेंगी। अदरवाइज़ कई बार जो जनरल साइजेस होते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलते हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। अगर आप इनफैक्ट दोपहर को भी जाते हैं ना, तो आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है दिन में। तो जैसे ही शॉप खोले, आप तुरंत सुबह एकदम अर्ली जाइए, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कुछ बड़ी शॉपिंग करनी है, ज़्यादा सामान लेना है ना, तो ऐसा करिए। अदरवाइज़ एक दो चीज़ों के लिए तो आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन आज का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और आज गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना शॉप पे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वीक डेज में इतनी भीड़ देखी थी इस मॉल में। कहीं कोई पार्किंग नहीं मिल रही थी, इतना बड़ा ये मॉल है और इतने सारे लेवल हैं पार्किंग के, फिर भी सब फुल थे। बोकर लगाने पड़े मुझे पार्किंग के लिए, बट फाइनली पार्किंग मिली। और इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि नॉर्मल टाइम के अलावा, जैसे ये कोविड जब से 2 सालों से काफ़ी टाइम तक तो लॉकडाउन था, फिर खुलता था, फिर लॉकडाउन रहता था, इस बार अब जब ये क्रिसमस सीज़न यहाँ चल रहा है, और क्रिसमस टाइम में वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो और इस टाइम गजब की लोग खरीदारी कर रहे हैं, मतलब इतना सामान ले रहे हैं ना, मतलब गजब की शॉपिंग कर रहे हैं। आपको तो मैं पहले भी ब्लैक फ्राइडे के दिन आई हूँ, मतलब यहाँ पे शॉप्स में मुझे इतनी भीड़ तो कभी नहीं दिखी जितनी की आज थी। तो लोग मतलब बंद रहते रहते ना, इस बार एकदम दिल खोल के शॉपिंग कर रहे हैं, तो अच्छा था। लेकिन जो भी था, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया। और वैसे भी क्रिसमस टाइम में तो क्रिसमस वाइब्स यहाँ बहुत अच्छे आते हैं। तो गाइज अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर। और आज का वीडियो गाइज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ। आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।